Your next chapter, 5th, the sneeze of 10th class MP board English. Starting word power. इसमें कुछ phrasal verb दे रखी हैं और साथ में उनके meaning और उन phrasal verbs को sentences में use करके दिखाया गया है इसमें. तो first जिसमें है आपका took off. It means remove, हटा देना. Next है bald spot, hairless patches on the head. सिर पर बिना बालों की जगह बाल्ड स्पॉट बोलते हैं. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने, फेसिंग ऑफ समवन. नेक्स्ट डी है इन द कोर्स ऑफ टाइम, के दौरान के समय, ड्यूरेशन. नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. इसमें आपको एक मीनिंग दिया गया है और उसका मीनिंग बताना है, रिलेटेड मीनिंग. फर्स्ट क्रॉल, रेंगना होता है. इसमें है जो आपका मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना. पेमेंट फुटपाथ को कहते हैं. आंसर इसमें फुटपाथ है आपका. स्नीज छींकना बोलते हैं. तो जो स्नीज जो है, सडन एंड नॉइजी रिलीज ऑफ एयर थ्रू नोज, अचानक तेज़ गति से नाक के द्वारा छोड़ी गई सांस. नेक्स्ट आपका है मैलिस. मैलिस विश टू हार्म अदर्स, दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा. फिफ्थ आपका स्पैटर, बिखेरना. स्कैटर भी बिखेरना होता है, सिमिलर वर्ड है इसका. एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका, सम ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो हैव टेकन फ्रॉम द लेसन, कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द नाउन फॉर्म. जो वर्ब्स दिए गए उसको नाउन फॉर्म में चेंज करना है आपने. फर्स्ट इज़ डन फॉर यू, एक चेंज करके बताया गया है इसमें, लेकिन इसमें आपको सभी बदल के दिखा दिए गए हैं. फर्स्ट है प्रोहिबिट, मना करना है, प्रोहिबिशन मनाही. डिफाइन किसी का विवरण करना, डेफिनेशन. अवॉइड अनदेखा करना, अवॉइडेंस अनदेखा. आइडल आलस्य, आइडलनेस. कंसिडर मानना, कंसिडरेशन. ये नाउन में चेंज करके बताया गया है वर्ब को. और अगर नाउन से वर्ब में चेंज करना हो तो इधर लिखा हुआ है साथ में इसके, वर्ब टू नाउन एंड नाउन टू वर्ब. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड में. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज शर्विकॉफ. शर्विकॉफ कौन था? ही वॉज ए माइनर ऑफिशियल, एक कर्मचारी था वो. सेकेंड, व्हाट वॉज शर्विकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस. शर्विकॉफ ओपेरा हाउस मतलब नाटक घर में क्या कर रहा था. ही वॉज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस. ओपेरा मीन्स नाटक. वो नाटक घर में एक प्रसिद्ध नाटक देख रहा था. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्ड इन द ओपेरा हाउस. ओपेरा हाउस में क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हाउस की. What happened in the opera house? Opera house में क्या हुआ था? Shcherbakov sneezed in the opera house. Shcherbakov ने opera house में छींक दिया था. Your next fourth question है, Why did Shcherbakov feel ashamed? Shcherbakov को शर्मिंदगी महसूस क्यों हुई? Because he sneezed on bald spot of someone. क्योंकि उसने किसी के गंजे स्थान पर छींक दिया था. Who was sitting in front of him? जो उसके सामने बैठा हुआ था. Your next question है, Who was the person on whom Shcherbakov sneezed? वो व्यक्ति कौन था जिस पर शर्विकॉफ ने छींक दिया था. आंसर, ही वॉज जनरल ब्रिजलॉफ. वो जनरल ब्रिजलॉफ था, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, हाईवे का कर्मचारी. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड शर्विकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग. शर्विकॉफ छींकने के बाद क्या सोचा. ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही मस्ट अपोलोजाइज, उसे अवश्य रूप से क्षमा मांग लेनी चाहिए. व्हाट डिड शर्विकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम. शर्विकॉफ की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी. शी एडवाइज्ड हिम, उसने सलाह दी उसे, दैट ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, एंड गो अप्लाइज, और उसे क्षमा मांगनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 or 4 सेंटेंसेस. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड शर्विकॉफ अपोलोजाइज इन ऑफिस. शर्विकॉफ ने ऑफिस में जाकर कैसे क्षमा मांगी. हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, और जनरल की क्या प्रतिक्रिया थी. व्हेन ही वेंट इन द ऑफिस, जब वो ऑफिस में गया, ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था, विद द पेटिशनर, जो और भी उसके जो शिव चिंतक थे उनके साथ व्यस्त था.
शर्विकॉफ सेड, शर्विकॉफ ने कहा, योर एक्सीलेंसी सम्माननीय, यस्टरडे कल आई स्पैड ऑन यू, मैंने आप पर थूक दिया था। जनरल सेड, जनरल ने बोला, यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग, तुम फिर से वही बात कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड शर्विकॉफ डाई, शर्विकॉफ क्यों मर गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आता है। ही वॉज हॉरीफाइड, वो डर गया था, टू सी द जनरल सो एंग्री, जनरल को बहुत अधिक गुस्से में देखकर, समथिंग सीम टू ब्रेक इनसाइड, और गुस्से में देखकर उसे अंदर ही अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। ही स्टम्बल थ्रू द डोर, वो जब बाहर निकला तो दरवाजे में टकराया, एंड फेल इन टू द स्ट्रीट, और सड़क में जाकर गिर गया। ही कुड नॉट सी और हियर, उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था, आई थिंक। एंड ही क्रॉल्ड अलॉन्ग द पेमेंट, और फुटपाथ के किनारे किनारे वो चलता रहा। ही वॉक्ड मैकेनिकली, लंगड़ाते अटकते हुए चलता रहा। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, देयर मीन्स होम, ही ले डाउन ऑन अ सोफ़ा, वो सोफे पर लेट गया, विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, अपनी बिना यूनिफॉर्म उतारी, एंड डाइड, और मर गया। राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ शर्विकॉफ कैरेक्टर इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में बताइए शर्विकॉफ के कैरेक्टर के बारे में। ही वॉज अ माइनर ऑफिशियल था, ही वॉज शेमफुल, वो उसे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी, कन्फ्यूज था, एंड एनेक्सी चिंतित था। ही वॉज फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, रिपेंटेंस पश्चाताप महसूस कर रहा था। ही वॉज वरिड, और चिंतित था, अबाउट थिंग्स ही हैज़ डन, और उस चीज़ के बारे में चिंतित था जो उसने किया है। अब इसमें आपके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में है, आइवर शर्विकॉफ वॉज ए, कौन था, माइनर ऑफिशियल था। शर्विकॉफ रिकॉग्नाइज द ओल्ड मैन, शर्विकॉफ ने उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया। ही वॉज, वो कौन था, जनरल ब्रिजलॉफ। थर्ड, शर्विकॉफ फेल्ट डीपली अशेम्ड, शर्विकॉफ को बहुत ही शर्मिंदगी हुई, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन एक्सीडेंटली, क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति पर दुर्घटनावश उसने छींक दिया था। शर्विकॉफ एड्रेस जनरल ब्रिजलॉफ एज, शर्विकॉफ ने जनरल ब्रिजलॉफ को किस रूप में संबोधित किया, योर एक्सीलेंसी बोलकर संबोधित किया। शर्विकॉफ केप्ट ऑन गोइंग टू जनरल ब्रिजलॉफ, शर्विकॉफ जनरल ब्रिजलॉफ के पास लगातार जाता रहा, टू बैग, क्षमा मांगने के लिए, हिज पार्डन, अगेन एंड अगेन, बार बार, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टू मच वर्ड, क्योंकि उसे बहुत अधिक चिंता हो गई थी। नेक्स्ट है, पुट द बॉक्स इन दियर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है ये। सपना फाउंड द बुक, सपना को बुक मिल गई, शी इट फॉर 5 आवर्स, जो उसे 5 घंटे से ढूंढ रही थी, 5 घंटे से, इसमें आ गया हैड बीन लुकिंग फॉर। द बिजनेसमैन वेंट बैंकक्रैप्ट, ही मनी फॉर सेवरल ईयर्स, इसमें लॉस दे रखा है, तो हैड बीन लूजिंग, तो सभी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो हैड बीन स्विमिंग नेक्स्ट आएगा, इसमें हैड बीन वेटिंग आएगा, हैड बीन प्लेइंग आएगा।